तो जेहोक की वापसी हो गई है, और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि डिस्पैच पर उनकी जो सेरेमनी है डिस्चार्ज वाली, वो तुम्हें देखने को मिली होगी। वेल, सब कुछ अच्छा गया और जिन पहुँचे थे जेहोक को रिसीव करने के लिए, लेकिन जिन सिर्फ अकेले ही पहुँचे थे और जिन एकदम वहाँ पर लग रहे थे, वो कह सकते हो अमीर बाप के बेटे, वो होता ना, आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, बिल्कुल उसी अंदाज में जिन लग रहे थे। जे होप के लिए बड़ा सा बुके लेके आए थे और जे होप ने खूब मस्ती करी वहाँ पे, लेकिन फिर भी बहुत सारे आदमी थे जिनको कमी खल गई अदर BTS मेंबर की, और वो जानना चाहते हैं कि आखिर अदर BTS मेंबर क्यों नहीं पहुँचे जे होप की सेरेमनी पे, जबकि वो जिन की सेरेमनी पे ज़रूर आए थे। तो देखो, वो लोग अभी मिलिट्री सर्व कर रहे हैं, और जैसा मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि मिलिट्री का एक डेकोरम होता है, डिसिप्लिन होता है, और BTS मेंबर चूंकि अभी मिलिट्री में है तो उन्हें लिमिटेड काउंटर छुट्टियां दी जाती है। ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि हॉबी की वजह से उनको छुट्टी दी जाए, क्योंकि वो लोग नेशन के लिए सर्व कर रहे हैं फिलहाल, तो नेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वहाँ पर काम करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रदर देन ये सारे इवेंट्स से। तो वो BTS के जो अदर मेम्बर्स हैं उन्हें छुट्टी नहीं मिली है, और वहीं बाद में जो इवेंट के लाइव भी हुआ था उसमें जो अकेले दिखे वहाँ पर, जिन भी नहीं थे, लेकिन जिनके टाइम पे सारे BTS मेंबर थे, तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि जिनके पास भी टाइम नहीं रहा हो, और आफ्टर लाइफ ज़रूर वो लोग साथ में मिलके पार्टी कर रहे होंगे। और जितने भी अदर BTS मेंबर हैं, ऑफकोर्स उन्हें छुट्टी नहीं मिली इसीलिए वो नहीं आ पाए, नहीं तो वो भी के लिए वो लोग ज़रूर आते। वेल, आमी ने बहुत बड़ा वेलकम किया जेहोक का, और पूरा कोरिया में देखने को मिला है ये चीज़ जेहोक के वेलकम का। वेल, तो मैं फिलहाल बता दूँ, जे होप ने लाइव किया और बहुत दिन बाद सुनने को मिला, आई एम योर होप, यू आर माई होप, आई एम जे होप। I'm your hope, you're my hope. I'm Jay Hope. वेल, जिन का भी बहुत प्यारा जेस्चर देखने को मिला जब जे होप स्पीच दे रहे थे सेरेमनी में, तो एक फीमेल रिपोर्टर थी जो कि बहुत सारा माइक पकड़ के नीचे में बैठी थी, सो दैट कि जे होप की वॉइस जो है वो जा सके। तो जिन से ये देखा नहीं गया, और जिन वहाँ पर आ गए और उन्होंने सारा माइक अपने हाथ में ले लिया और रिपोर्टर से कहा कि वो वहाँ से जा सकती हैं, और जिन पूरा माइक पकड़ के बैठे हुए थे। ये चीज़ें लोगों को काफ़ी अच्छी लगी, और उसके बाद जेहोक ने अपना स्पीच ख़त्म किया। फिर जिन और जेहोक ने थोड़ी बहुत चट चैट की, वीडियो में देखने को मिला है। उसके बाद दोनों अपनी अपनी गाड़ी में बैठे और चले गए, जिसके थोड़ी देर बाद ही जेहोक ने लाइव किया। लाइव में वो अकेले ही थे, और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चिट चैट की आर्मी से, और आर्मी ने कंसर्न दिखाया और बोला कि आप पहले रेस्ट कर लो, फिर बाद में हम लोग बात करेंगे। वेल, जो अपने इस लाइफ के दौरान जिन को उन्हें किडनैप करने का परमिशन भी दे दिया, उन्होंने कहा कि जैसा वो चाहे वैसा कर सकते हैं। तो जो पूरी तरह से तैयार है, फुल ऑफ एनर्जी के साथ अभी वापस से अपना कमबैक करने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड।